शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। प्रिंसिपल मैडम ने वार्निंग दिया है, प्री बोर्ड में 65% नहीं आया तो बोर्ड एग्जाम में बैठने नहीं देंगे। कहाँ जा रहे हैं ये लोग? सामने तबेले में कोचिंग क्लासेस चल रही। भाई बंद कराना होगा ये तबेला कोचिंग। 10 सेकंड बाद लाठी चार्ज होगा। शाबाश, कलेक्शन अच्छा है इस बार, लेकिन अब से सारा फीस आप लोग एडवांस में लीजिए। सेंटर ऐसे ही चलाते रहेंगे आप लोग तो मैं आप लोगों का कॉन्ट्रैक्ट बढ़ाकर 5 साल का कर दूंगा। लेकिन सर वो प्रभाकर अंकल तो सिर्फ 2 ही साल के लिए। सिविल केस है, रगड़ते रहेंगे 20-25 साल। सुना आजकल तबेले में ही रहते हैं अपनी फैमिली के साथ, भैंसों को आरक्षण दिलवाएंगे क्या? नहीं सर, वो आसपास की बस्ती से कुछ बच्चे आ जाते हैं। और क्या करेंगे, भाड़ा तो चुकाना है ना शंभू के तबेले का, क्यों? कहिए क्या बात है। हमारे पास दीपक कुमार के बेल पेपर्स हैं, उनकी जमानत हो चुकी है। अरे छोड़ दो वो हीरो को। ए इधर आइए वकील साहब। संभल जाइए मिस्टर, ये लफंगे नहीं चलेगा हमारे एरिया में। लीजिए साइन कराइए। धन्यवाद वकील साहब, मगर किसने कराया हमारा जमानत? Maximum product of Q into Q minus Q, both parts must be the same. Therefore, Q divided by Q is equal to 2. क्या बात है मुनिया? सर हम नहीं पढ़ेंगे। क्यों? सर प्रिंसिपल मैडम ने वार्निंग दिया है, प्री बोर्ड में 65% नहीं आया तो बोर्ड एग्जाम में बैठने नहीं देंगे। और सर मेरा तो 57 से ऊपर कभी नहीं आया। कब है प्री बोर्ड? 23 तारीख से 23 तारीख। 2 हफ्ते हैं, क्यों नहीं आएगा? जरूर लाएंगे हम 65%। मेहनत करेंगे कि नहीं? करूंगी। हाँ तो फिर पक्का आएगा। तो जैसा कि मैं कह रहा था, चार्ज Q इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स ऑफ Q एंड Q माइनस Q। इफ द कूलॉम रिपल सुशांत और दीपक आपसे मिलना चाहते हैं। रिपल्शन बिटवीन देम व्हेन दे आर सेपरेटेड। बाबा प्लीज, वो भी मदद करना चाहते हैं। मुझे किसी की मदद की जरूरत नहीं, थैंक यू। Then the ratio of Q by Q should be A, 2, B, 1 by 2, C, 4 or D, 1 by 4. So, jaisa ki main keh raha tha, a charge Q is divided into 2 parts of Q. बज रहे हैं रात के, कहां जा रहे हो इस वक्त? रिवीजन करवाना है, मैथ्स का पेपर है आज उनका। हुँ।
रिवीजन चल रहा है। कहाँ आकर के अटक गए? देखो, माइनस टू के स्क्वायर कैंसिल करता है प्लस टू के स्क्वायर। अरे हाँ। प्रणाम मैडम जी। प्रणाम। सब ठीक तो है ना? हाँ हाँ सब कुछ ठीक है। Cannot be greater than the value of M. अरे ये तो डॉक्टर प्रभाकर आनंद हैं। जी यहाँ यहाँ सभी बच्चों को यही पढ़ाते हैं। तभी तो ये चमत्कार हुआ है। हमारी प्रिंसिपल मैडम आपसे मिलने आई है। नमस्कार। नमस्कार। कैसे आना हुआ? आपकी स्टूडेंट मुनिया ने वो करके दिखाया है जो हमने पहले कभी नहीं देखा। 50-57% लाने वाली लड़की प्री बोर्ड एग्जाम में 76% लेकर आई है। अरे ये आप ही कर सकते हैं सर। ये तो और भी अच्छा करेगी बोर्ड में। क्यों मुनिया? 80 से भी ऊपर लाऊंगी। अरे 80 से भी ऊपर लाएगी हमारी मुनिया। अरे चाय चढ़ाइए, हम मिठाई लेकर आते हैं। क्या हुआ? नमस्कार। फर्स्ट आई हो क्लास में? अरे वाह। हमारे बहुत सारे बच्चे प्राइवेट ट्यूशंस और कोचिंग में जाते हैं, केके में भी, मगर इस बार मुनिया ने सबको पछाड़ दिया है। और अब सबके माँ बाप पूछ रहे हैं मुनिया के कोचिंग स्कूल का पता। तबेला स्कूल। जो भी पढ़ना चाहता है वो यहाँ आ सकता है। हमारी तो फीस वापस कर दीजिए आप। हमें नहीं पढ़ाना अपने बच्चों को यहाँ। प्लीज आप मेरी तेज देखना प्लीज। आप लोग हेलो सर, ये क्या हो रहा है सनी? इस महीने स्टूडेंट्स आधे हो गए। सर अभी एडमिशन चालू ही है। आज एक 20 लड़कों का ग्रुप आ रहा है। मेरे ख्याल में अगर हम लोग थोड़ी सी पब्लिसिटी और के कौशिक को पब्लिसिटी की जरूरत कब से पड़ने लगी? ये क्या हो रहा है तेज प्रसाद? सर सर मेरी बात हो गई है। आजकल मैं दो स्टूडेंट्स। सर सर बस आजकल मैं ये क्या कहाँ जा रहे हैं ये लोग? सर वो सामने तबेले में कोचिंग क्लासेस चल रही है आजकल। गांधीनगर के बच्चे हैं सर। सुशांत सेठ ने इनके लिए बस अरेंज करवाई है। रियली? चल पड़ा इसका नौटंकी लगता है। आप लोगों ने अपने नोट्स बना दिए हो तो मुझे दे दीजिए, मैं कॉपीज जीरोक्स करवा दूंगा। तबेले में अब 70 से ऊपर हो गए बच्चे। माफ कीजिएगा दिनकर जी, मैं नहीं आ पाऊंगी। सर प्रिंसिपल साहब ने बुलाया है आपको। आइए बैठिए, बहुत ओवर टाइम हो रहा है तबेला में। अच्छा माल कमा रहे हैं आप लोग। जी मैं अपनी सेवाएं वहां मुफ्त दिया करता हूँ। क्यों? अरे दिनकर जी क्यों मुफ्त में इतनी मेहनत से अर्जित की हुई विद्या को कचरे में फेंक रहे? हमारे केके कोचिंग में आई आपकी प्रतिभा का कद्र होगा वहां। 1,00,000 रुपया महीना। मिथिलेश जी मैं प्रभाकर जी के सिद्धांतों पर समर्पित हूँ, आप मुझे नहीं खरीद सकते। ठीक है बैठे क्यों इतनी जल्दी में? आपने हमारे प्रस्ताव को ठुकरा दिया। कोई बात नहीं, ये नया रूटीन तो लेते जाइए, आपकी डिमांड बहुत है स्टूडेंट्स में। ये डेली सुबह 2, शाम को 2, 4 एक्स्ट्रा क्लासेस लगा दी दीजिए। मगर ये तो सरासर अन्याय है। मैं नहीं कर पाऊंगा ये। दिनकर जी अगर आपने इस आदेश का पालन नहीं किया तो मजबूरन मुझे डिसिप्लिनरी एक्शन लेना पड़ेगा। इस टीम ने जो आपके घर के लिए बैंक को गारंटी दी है उसे वापस लेना पड़ेगा। नौकरी तो खैर पूर्व उप प्राचार्य महोदय, यू हैव नो अदर ऑप्शन। घर नीलाम हो जाएगा, फिर शायद आपको भी तबेले में ही शरण लेनी पड़े।
See you in the class. नमस्ते दिनकर, जल्दी आ गए आज हैं? क्या बात है? सर मैं इस टीम से त्याग पत्र दे रहा हूँ। सर मिथिलेश सिंह ने मिसेस डे, शर्मा और कौशल सभी को पैसों का लालच देकर खरीद लिया है और मुझे भी सर ऐसा नहीं होता, मैं ये नौकरी छोड़ दूंगा सर। नहीं दिनकर, आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे। मैं जानता हूँ आपकी मजबूरियाँ हैं, लेकिन सर आप अकेले, सर मैं नौकरी, मेरी चिंता मत करें, मैं मैनेज कर लूँगा। आइए। देखिए, हमारे साथ जो और टीचर हमारी मदद करते थे वो अब नहीं आ पाएंगे, तो आप लोगों में से जो दोपहर में आ सकते हैं वो 3 बजे आ जाएं, और जो शाम को आ सकते हैं वो 7 बजे यहाँ आ जाएं। मैं 3 सेशन लूंगा रोजाना। सुडोपोडिया पेरेंटल बॉडी ही रिप्रोडक्शन यूनिट का काम करती है। यूनिसेल्यूलर पेरेंट ऑर्गेनिज्म अपने आप को 2 भागों में बांट लेता है। 1, 2, 3, 3, 1, 1 within brackets. Now, obtain the universe of the following matrix using elementary proportions. और मैं 1 मिनट में आई, आप लोग ड्राइंग्स कर लेंगे। जी। बेटा, ये इन लोगों के लेसन्स आज कंप्लीट कराने मुझे। पापा प्लीज थोड़ी देर के लिए चलो ना। बहुत चिंता करती हैं आप तुम्हारी। अच्छा चलिए, एक प्याला चाय ले आइए हमारे लिए। ओके, सेटल डाउन। ऑलराइट, लेट्स स्टार्ट। बाबा 1 मिनट तो स्थिर बैठो ना। टेस्ट लिया है आज बेटा, हमने चेक करना है। क्या चाहते हो तुम प्रभाकर? इस तरह अकेले कब तक चलेगा? तुम्हें कुछ हो गया तो? होने को तो कभी भी कुछ भी हो सकता है कविता, लेकिन जिस रास्ते पे मैं चल पड़ा हूं रुकूंगा नहीं अब, चाहे मुझे अकेले ही ये रास्ता क्यों ना तय करना पड़े। ए हरिया, आ बेटा, ले मुंह मीठा कर, शाबाश। M2 अरे दीपक भैया, अरे लो लड्डू खाओ, सत्यनारायण भगवान का पूजा किए थे। अरे वाह, लो 30 दिन बाकी रह गया है मुनिया का बोर्ड परीक्षा में, अब देखो। सूरज बांट दे ये लड्डू। जी। सबको देना। तो सर कैसे? बस वही धुन सवार है उनको, सवेरे 5 बजे से लेकर रात 1 तक लगे रहते हैं बच्चों के पीछे। पूर्वी दीदी हैं, कविता जी हैं, मदद करते हैं, पर 1 मिनट का सांस नहीं उनको। हम लोग को तो डबल मजा हो जाता है, वहाँ गुरु जी से पढ़ लेते हैं और यहाँ हमें दीपक भैया गाइड कर देते हैं। हाँ, अगर तुम होते ना पास में तो थोड़ा सहारा मिल जाता है। हमारे बस्ती के 27 जाते हैं सर के सुबह वाले क्लासेस में। वो सब तो ठीक है दीपक भैया, पर अभी और बच्चे आ रहे हैं ना, तो अकेले गुरुजी। A upon x plus 4 plus b upon x plus 7, and to find the value of the constants a and b, we will assume x plus 4 is equal to 0, which means that x is equal to minus 4. Namaskar. Namaste. Sir, हमारे बच्चे पढ़ना चाहते हैं आपके पास,
ये दोनों के कोचिंग में जाते हैं, मगर अब आपके क्लास आना चाहते हैं। मेरे दोनों शिव और ओम आपके यहाँ पहले से ही आ रहे हैं, उनकी इम्प्रूवमेंट देख कर ये आए हैं। अच्छा, हमारे यहाँ कोई भी पढ़ने वाला बच्चा आ सकता है, आप ज़रूर भेजिए। बस सर, एक रिक्वेस्ट था, आप हमारे बच्चों को अलग से पढ़ा दीजिए। बहुत लोग अपने बच्चों को भेजना चाहते हैं आपके पास, आप चाहे तो हम जगह भी दे सकते हैं आपको, आप जो पेमेंट बोले हम लोग देने को तैयार हैं। बस सर, इनके साथ बैठने में प्रॉब्लम है, ये लोग थोड़ा, आप समझ रहे हैं ना, नहाता भी नहीं है ये सब, हमारे बच्चों का कल्चर खराब हो जाएगा। बहुत तो मुझे आपके विचार से भी आती है, बहुत घटिया विचार है आपके। मेरे लिए हर बच्चा एक समान है, एक क्लास में एक साथ सबको पढ़ाऊंगा मैं, जिसको जाना है जा सकता है। अब अगर आप मुझे क्षमा करें तो मैं अपनी क्लास पूरी करूं। आपके फायदे की बात कर रहे थे हम, वहाँ के कोचिंग में 2-2 लाख महीने वाले 10 टीचर्स दिल्ली से लेकर आए हैं मिथिलेश जी, और फीस भी कम कर दिया है, कौन भेजेगा आपके यहाँ बच्चों को। चलिए जी, शिव ओम चलो घर, कल से तुम लोग के में पढ़ोगे, चलो चलो चलो, अरे चलो। सो इफ यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ ए प्लस बी, लेट अस अज्यूम दैट एक्स प्लस 4 इज इक्वल टू 0, देयरफॉर एक्स। नाउ हम इसे फैक्टर कैसे करेंगे? सर, एक्स प्लस 7 इज इक्वल टू 0, दैट इज एक्स इज इक्वल टू माइनस 7। नाउ पुट दिस वैल्यू इन एफ ऑफ एक्स। सर, एक्सेप्ट एट एक्स प्लस 7, दैट इज इन द डिनोमिनेटर। बिल्कुल ठीक। देन बी इज इक्वल टू? सर, 2/3। अच्छा बताओ, अगर z कॉम्प्लेक्स नंबर है तो mod z is equal to 1 जियोमेट्रिकली क्या रिप्रेजेंट करता है? सर, ये सर्कल को रिप्रेजेंट करेगा। सर, जिसका सेंटर ओरिजिन होगा और रेडियस 1 होगा। मास ऑफ हार्डनेस ऑफ द सब्सटेंस मल्टीप्लाइड बाय मल्टीप्लिकेशन फैक्टर कितना होता है दोस्तों? सो टुडेज क्वेश्चन इज टू फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट VA इज इक्वल टू VB, VB इज इक्वल टू VC। हमेशा याद रखो, सबसे पहले एग्जाम्स में सवाल को 2-3 बार पढ़ो, ओके? सवाल का उत्तर हमेशा उसके अंदर ही होता है। हमने तो प्रभाकर सर को बोर्ड पर लिखने के साथ ही आंसर बता दिया था। अच्छा, क्या कहा उन्होंने? कुछ नहीं, बस शाबाशी दी। Is equal to कितना होता है? Mass of hardness। मैं समझ गया था कि कोई और मेरी क्लास इस तरह से सबोटाज नहीं कर सकता है। सर, सर हमारा मतलब वो नहीं, हम तो सर आप जो भी पनिशमेंट देंगे हम खुशी से मान लेंगे, मगर हमें माफ कर दीजिए सर। मिलेगी सजा तो जरूर मिलेगी। कल से आप दोनों अपनी क्लास मेरे साथ ही लगाएंगे। आठ महीने पहले डॉक्टर प्रभाकर आनंद ने कुछ 5-6 बच्चों को यही इसी तबेले में पढ़ाना शुरू किया, देखते देखते 5 से 10, 10 से 20, 20 से 100, और आज पूरे 327
12वीं के छात्र जिन्होंने यहाँ उनके प्रेपरेटरी स्कूल से मुफ्त में कोचिंग लिया, उनका रिजल्ट आया है 100% सक्सेस, वो भी फर्स्ट डिवीजन में। झुग्गी झोपड़ी में रहने वालों से लेकर शानदार कारों में आने वाले सभी वर्ग के बच्चे यहाँ आते हैं, कोई भेदभाव नहीं होता। लाखों रुपयों की फीस लेने वाले केके कोचिंग जैसे कमर्शियल कोचिंग इंस्टीट्यूट को बिल्कुल पछाड़ कर सिर्फ एक तबेले में शुरू हुआ ये फ्री कोचिंग सेंटर आज एक सुपर तबेला बन चुका है। जैसा कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं, यहाँ सैकड़ों की तादाद में स्टूडेंट्स अपनी खुशी जाहिर करते हुए नजर आ रहे हैं। भाई बंद कराना होगा ये तबेला कोचिंग। हमारे गेट पर ये देखो, ओह गॉड, क्या लिखा है? सरकारी नोटिस है। शंभू काका, आपने ये जमीन सरकार से किराए पर ली थी क्या? हाँ, वो यहाँ के कलेक्टर थे रमेश चंद्र, उन्होंने ये बंदोबस्त किया था 20 साल पहले। तो अब सरकार इसे वापस लेना चाहती है? अरे पर हम तो हर महीने किराया जमा करा देते हैं, सारा रसीद है हमारे पास। देखिए, सात दिन पहले की तारीख है मगर चिपकाया आज है, जो कि नोटिस का आखिरी दिन है। अरे पर ऐसे कोई कैसे छीन सकता है हमसे हमारी जमीन? सरकार इस तबेले को तोड़कर यहाँ सरकारी गोदाम बनाना चाह रही है, मगर हम सब जानते हैं शंभू की इस योजना के बहाने हमारा तबेला स्कूल कौन तोड़ना चाहता है और क्यों, लेकिन अब की बार हम होने नहीं देंगे। बिल्कुल नहीं होने देंगे गुरुजी, चाहे कोई गोली मारते हैं। यकीन नहीं आता कि ये लोग ऐसा कर कैसे सकते हैं। पूर्वी, हमें सबकी जरूरत होगी। मैं सुशांत को फोन लगाता हूँ और मैं यही रुकता हूँ सर के साथ। मैंने प्रभाकर सर का साथ दिया है, ये लोग उनको यहां से निकालने के बाद भी उनको खत्म करने में लगे हुए हैं। आज मौका है दोस्तों, चलो हमारे साथ और रोक दो इनके गंदे इरादों को। बच्चे क्यों जाएंगे वहां लाठी और गोली खाने के लिए? बिल्कुल सही कहा आपने, क्यों जाएंगे? क्यों प्रभाकर आनंद ने गरीबों और पिछड़ों के लिए आवाज उठाई और अपनी जिंदगी बर्बाद की? क्यों वो एक तबेले में रहके दिन रात एक करके उन बच्चों को मुफ्त पढ़ाते हैं? क्यों? क्योंकि वो सिर्फ एक तबेला नहीं है, वो एक रास्ता है इनको और इनके जैसे बच्चों को आगे बढ़ने का, अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने का, ताकि वो शिक्षा हासिल कर सके, समाज में अपना सर उठा कर जिए। दोस्तों, आज उस तबेले को तुम्हारी जरूरत है, प्रभाकर सर को तुम्हारी जरूरत है। क्या है फैसला तुम्हारा? फैसला हो चुका है मैडम, यहाँ से कोई नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? जरूर जाएगा।
जमीन को खाली कराने का। आप लोग शांति से बाहर निकल जाएं और हमें अपना काम करने दें, नहीं तो एक मिनट के अंदर। किसी वार्निंग की जरूरत नहीं है इंस्पेक्टर, आप अपना काम करें, हम अपना करेंगे। चलाइए बुलडोजर, आपके पास लाठियां हैं, बंदूकें हैं, बहुत ताकत है आपके पास। जाहिर है आपको अंदाजा नहीं है कि हमारी ताकत क्या है। हमारे पास आत्मबल है जो अब बढ़ रहा है, कोई ताकत इसे कुचल नहीं सकती। ध्यान से देखिए आप सब और पहचानिए, ये सब बच्चे जो यहां पढ़ने आते हैं वो सब आप जैसों के ही घर से हैं। इनकी आंखों में जिस भविष्य का सपना है वो आपके घरों में भी पलता है, और जिन शक्तिशाली ठेकेदारों और नेताओं का हुक्म बजाने आप यहां आए हैं वो नहीं चाहते कि ये सपने साकार हों। अब फैसला आप कीजिए, क्या आप इस सपने को बचाना चाहेंगे या उसे कुचल देना चाहेंगे। तबेले को धूल में मिलाने की, समझ गए? ए ठाकुर, वर्दी उतरवा देंगे तुम्हारी, समझ गए? डू योर ड्यूटी, खाली कराओ इस तबेले को। अरे डंडे का इस्तेमाल करो, खदेड़ सबको यहां से, डंडे का धूल में मिलाओ, तोड़ इस तबेले को। पहचानते नहीं है ये लोग, आप लोग भरा गए हैं क्या? भरा गए थे आपके डर से, अब तो होश ठिकाने आए हैं। चलो पर लाठी चलने वाली है, अभी सुन रहे हैं? अरे देख कर ये सब लोग खत्म हो जाइएगा। 1200 करोड़ रुपए का यूनिवर्सिटी बनाए हैं हम, 1200 खरीद लेंगे हम सबको, ये जमीन भी खरीदेंगे, ये वर्दी वाला को भी खरीदेंगे और तुमको भी खरीदेंगे। बस बस, बहुत बोल चुके हैं आप मिथिलेश सिंह, औकात क्या है आपकी कुछ भी खरीदने की? अपनी आत्मा तक तो बेच चुके हैं आप। ये बखलाहट साफ बता रही है आपका दिवालियापन। दिवालियापन, दिवालियापन, कितना भी जहर घोल दें, आप जैसे लालची बहरूपी मिथिलेश सिंह, ये देश ज्ञान और शिक्षा का मूल्य समझता है, अपने गुरुओं का सम्मान करना जानता है। 1200 तो क्या है, आप 1200,000,000,000 भी लगा दें तो भी कुछ हाथ नहीं आएगा आपके। भारत की शिक्षा का भविष्य टिकाऊ नहीं है। 0 कहा था ना आपने मुझे, धन्यवाद। उस 0 का आविष्कार एक महान भारतीय ने ही किया था, जिसका पावर आप समझ ही नहीं पाए। जो भी 0 के साथ टकराता है वो स्वयं 0 हो जाता है, खत्म हो जाता है। आप और आपके नीच और स्वार्थी मालिकों का खेल अब खत्म हो चुका है। You are finished. Finished! Finished! मैं? अच्छा? आप पहचानते नहीं है आपको, खत्म कर देंगे इस तबेला को, देखते रहिएगा। बड़ा सुपर तबेला बनाते हैं ना, इंतजार कीजिए, देखते। हाँ बाबूराम जी, बाबूराम जी है? नहीं मालूम था माने क्या, इसीलिए तुम्हारा प्रमोशन कराया था इसी दिन के लिए। सर हम पहुंच रहे हैं सर। खाली करवाओ, चलवा दो बुलडोजर, लाठी से नहीं सुनेगा तो गोली चलवाओ। ससुरा तबेला साफ नहीं हुआ ना डीजीपी, तो तुम्हारा पत्ता साफ। सर जी 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 जी, आप देखिए ये क्या हो रहा है। आपको नोटिस दे दी गई है, वार्निंग की कोई जरूरत नहीं है, 10 सेकंड बाद लाठी चार्ज होगा। और हाँ, अगर आप लोगों से जरा भी खतरा नजर आया तो फायरिंग होगी। लाठी चार्ज के लिए तैयार रहे।
बुलडोजर चलवाइए। गैर कानूनी काम हो रहा है यहाँ पर, कोई सुनने को तैयार नहीं है। कानून नाम की कोई चीज है कि नहीं यहाँ पर? शकुंतला ताई, ये तो आज तक कभी आई नहीं ऋषिकेश से। ताई, मुख्यमंत्री बन गए हो प्रभु दयाल, अपनी सड़कों के गड्ढे नहीं भरवा सकते और बच्चों पर बुलडोजर चलवा रहे हैं। माफ कीजिएगा शकुंतला ताई, मुझे अभी पता चला, एक मिनट में हट जाएंगे ये लोग। सॉरी ताई। कैमरा उधर लगाइए, अभी लगाइए कैमरा, इधर लेके जाइए वहाँ पर। कौन है ये? हमारे एसटीएम के नए प्रिंसिपल हैं मिथिलेश सिंह, अपना मानसिक संतुलन खो बैठे। सर जी, सर मैं अभी विड्रॉ करवाता हूँ। गुरु जी, पुलिस तो जा रही है, मतलब अब हमारा तबीला नहीं टूटेगा? नहीं टूटेगा। शकुंतला नमस्कार। सौभाग्यवती रहो, 32 साल पहले देखा था, अभी भी वैसे हूँ। पूर्वी, पूर्वी है ये हमारी बिटिया। गॉड ब्लेस। ये दीपक कुमार है ताई। नमस्ते। एसटीएम से यूनिवर्सिटी टॉपर, अब यहीं पढ़ाता हूँ सर के साथ, तबेला क्लास में। मैम मेरी भी एक ही डिमांड है। हाँ? आप मेरे पिताजी दामोदर सेठ को एसटीएम के ट्रस्ट से वो निष्कासित कर दीजिए। तुम्हें याद है मैंने कब एसटीएम के डे टू डे अफेयर्स छोड़े थे? जी 32 वर्ष पहले, जब तुम वहाँ के प्रिंसिपल बने थे और इस तरह बिना पूछे गए तुम चले आए। इसके लिए मैं दिल से क्षमा चाहता हूँ, लेकिन जाहिर है कि मेरा समय वहाँ पूरा हो चुका था। अगर मैं कहूँ कि तुम्हारा समय अब शुरू होता है? मैडम मैं दोबारा एसटीएम का प्रिंसिपल नहीं बन सकता, यहाँ पर मुझे बहुत काम है। मैं एसटीएम की बात नहीं कर रही हूँ, एसटी रेमेडियल सेंटर की बात कर रही हूँ। अनिरुद्ध ने मुझे सब कुछ बता दिया, हमारे ही कॉलेज कैंपस के अंदर एक रेमेडियल सेंटर खुलेगा जहाँ हर जरूरतमंद और कमजोर विद्यार्थी मुफ्त कोचिंग लेगा, और तुम ताउम्र इस संस्था के प्रिंसिपल और मुख्य ट्रस्टी बने रहोगे।